करीब महीने भर पहले टीवी अखबारों में खबरें थी कि नीतीश कुमार ने क्या किस्मत पाई, अब मोदी भी उनके आगे मजबूर है। लेकिन आज का सीन है कि वही नीतीश कुमार बिहार में इंजीनियर्स और ठेकेदारों के पैरों पर गिर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 7 जून की है, जब पीएम मोदी को अपना नेता मानने के बाद नीतीश उनके पैर छूना चाहते थे, और दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें नीतीश कुमार एक इंजीनियर के पैर छूने को तैयार हैं और वो मना कर रहा है कि साहब ऐसा मत कीजिए, इतना शर्मिंदा मत कीजिए। आपको नीतीश कुमार की इस विनम्र मजबूरी का ऑडियो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मजबूरी का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो इसकी वजह है बिहार के ढहते हुए पुल। पिछले 2 हफ्तों से नीतीश कुमार जर्जर पुलों को लेकर चर्चा में, एक दिन में 5-5 पुल तक बिहार में ढहे हैं और डीएनए में वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाई। एक बार फिर आप देख रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग भले ही कर लें, लेकिन बिहार के पुल और इंजीनियर संभालना नीतीश कुमार के बस में नहीं। लेकिन पैर छूने की मजबूरी पटना में दिखाई। नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के 3rd फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। शुरुआत में खुश थे, उसके बाद दुखी हो गए कि 21.5 किलोमीटर का पुल बनाने में ये इंजीनियर पता नहीं और कितना वक्त लगाए। कुछ दिन पहले नीतीश एक अफसर के हाथ जुड़ रहे थे। इस मजबूरी पर नीतीश की तेजस्वी यादव ने आज एक रील बनाई, वो जरा आप देखिए। तो याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते। हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम अपना पैरवा छुएते रहेंगे, हाथ में जोड़ेंगे हम अपना पैरवा छुएते रहेंगे। मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि बिहार में 3 हफ्ते में 16 पुल गिर चुके हैं। नीतीश सरकार को इसमें सियासी साजिश दिखाई पड़ रही है, ऐसा उसके कुछ मंत्री भी बोल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अगला टारगेट वृंदावन में कॉरिडोर बनाना है, उसकी तैयारी अपने अलग स्तर पर चल रही है। वृंदावन में अभी सबसे बड़ी समस्या श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना है, उसको लेकर आज एक बैठक हुई। बैठक से पहले यूपी सरकार से जुड़े बड़े अधिकारियों ने बांके बिहारी मंदिर और उसके आसपास का निरीक्षण भी कर लिया। यूपी सरकार वृंदावन कॉरिडोर को लेकर बहुत गंभीर है। ऐसा माना जा रहा है कि कॉरिडोर बनने से बांके बिहारी मंदिर और उसके आसपास फैली अव्यवस्था खत्म हो जाएगी। वृंदावन सदियों पुराना शहर, कई बार बसा और कई बार उजड़ा। इस शहर का जो मौजूदा स्वरूप है वो 16वीं शताब्दी में बना। इस वजह से बनावट के लिहाज से मंदिर और उसके आसपास की गलती गलियां काफी संकरी। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भी करीब 162 वर्ष पुराना है। मौजूदा बांके बिहारी मंदिर वर्ष 1862 में बना। इसके लिए मंदिर की असली क्षमता 10,000 से 20,000 श्रद्धालुओं की है, लेकिन बांके बिहारी के दर्शन के लिए हर दिन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। त्योहारों पर यह संख्या 1,00,000 तक पहुंच जाती है। इस दौरान भगदड़ जैसी कई दुर्घटनाएं होती हैं, और इसी समस्या का समाधान है कॉरिडोर। बांके बिहारी कॉरिडोर करीब 262 करोड़ रुपए से बनकर तैयार होगा, जिसका पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार खुद उठाएगी। ये कॉरिडोर 5 एकड़ में बनेगा, जिसमें 50,000 श्रद्धालु एक साथ परिसर आश्रम से निकल सकेंगे। कॉरिडोर बनने से मंदिर जाने के 3 रास्ते बन जाएंगे, इनमें जुगल घाट, विद्यापीठ चौराहा और जादौन पार्किंग वाला रास्ता होगा। कॉरिडोर बनने के बाद वृंदावन में ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे मंदिर का व्यापार भी बढ़ेगा और आसपास जो लोग रहते हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो दुकानदार हैं, उनका व्यापार बढ़ेगा। कॉरिडोर बनने से श्रद्धालु यमुना में स्नान करने के बाद सीधे मंदिर पहुंच सकेंगे और श्रद्धालुओं को भीड़ और धक्का मुक्की से छुटकारा मिलेगा, यानी सहजता के साथ आसानी से दर्शन। अब सवाल यह कि वृंदावन के लोग इस कॉरिडोर को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या वहां के लोगों को लगता है कि कॉरिडोर बनने से वृंदावन में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिलेगी? हमने इस मुद्दे पर वृंदावन के लोगों से सीधा बात की। हेलो,
कॉरिडोर हो जाएगा तो बहुत सहूलियत होगी और आम पब्लिक सरलता से इली से दर्शन कर पाएंगे बिहारी जी का और आने वाले समय बहुत अच्छा ही रहेगा। श्रद्धालु को दर्शन करने में बहुत आराम मिलेगा, ऐसे बहुत दिक्कत होती है श्रद्धालुओं को दर्शन करने में। धक्का मुक्की होती है, गिरने की संभावना होती है, कुचलने की संभावना होती है बहुत ज्यादा। 2 घंटे हो गए यहाँ लाइन में लगे हुए, यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ कॉरिडोर बनेगा बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं चाहता हूँ जितनी यहाँ पे जगह है, जितनी यहाँ पे स्पेस है, उसी में बढ़िया व्यवस्था बना सकते हैं कॉरिडोर की। कॉरिडोर की ज्यादा जरूरत नहीं है और जैसे क्योंकि कॉरिडोर में क्या देखो नुकसान होता जाएगा यहाँ पर। हमारे रोजगार का क्या है, जो जमीनें हमसे छीनी जाएंगी हमें उसके बदले में क्या है? आज सरकार हमें मुआवजा दे देती है ठीक है, लेकिन वो मुआवजा हम अपने अगर 10 लोगों का एक परिवार है और उनके पास एक यही रोजगार का साधन है तो कितने दिन उस पैसे को वो खा लेंगे? मंदिर का गेट चौड़ा हो जाए, कॉरिडोर का यहाँ कोई रोल नहीं है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था अच्छी हो जाए और सब अच्छा है यहाँ। कॉरिडोर का कोई आप कह रहे हो बनारस अयोध्या उज्जैन की तरह यहाँ कॉरिडोर हो जाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ सब बढ़िया है व्यवस्था। वृंदावन जी का मतलब ही कुंज गलियां है, जब कुंज गलियां ही खत्म हो जाएंगी, अरे ब्रजवासी ही खत्म हो जाएगा ब्रजवासी। इस समय जो प्रशासन का रूल है वो गेट नंबर 2 और 3 से एंट्री होती है, 4 और 1 से एग्जिट होती है, तो इस समय कॉरिडोर का रोल कोई नहीं है। बेचारे ये ब्रजवासी पंडा, हमारे पास ना कोई खेती है ना कोई दुकान है, हम कहाँ जाएंगे? सब रिजू है, 350 मकान है, दुकान है, जी कहाँ जाएंगे? क्या उन लोगों से अभी बातचीत हुई आप लोगों से? अगर मकान आपके हैं, दुकानें हैं तो कुछ क्या किसी ने आके कहा? नहीं दे रहे महाराज जी, कुछ नहीं मिल रहा है। जो दर्शन करने के लिए इस वक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं उनका ये कहना है कि परेशानियां आज की व्यवस्था में उन्हें देखनी पड़ती हैं, इसीलिए इस वक्त जो मांग है वो कॉरिडोर की मांग है क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे बूढ़े हर उम्र वर्ग का इस वक्त व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है और उसके लिए वो कॉरिडोर होगा तो शायद दर्शन में आसानी हो पाए। वरुण भसीन, जी मीडिया, मथुरा। Zini